नोट्स में पेज नंबर 26 पर आ जाइए। पेज नंबर 26 पर है सॉल्ट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं। अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन इन द एसिड बाय अ मेटल। अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन इन द एसिड बाय अ मेटल। तो ये ऐसे है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी एसिड है, हमने मान लिया एग्जांपल के तौर पर HCl, और HCl का रिएक्शन हमने करा दिया NaOH के साथ। अब क्या होगा, ये जो मेटल है सोडियम, सोडियम जो है ये सोडियम इस हाइड्रोजन को एसिड में से हाइड्रोजन आयन में जो रिप्लेस कर दे, तो जो बनता है उसको हम ये बोल देते हैं कि वो सॉल्ट बन गया। तो इसने क्या करा, सोडियम ने HCl में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, तो क्या बचा, क्लोरीन बचा। तो इसने क्लोरीन के साथ कंपाउंड बना लिया, तो कंपाउंड क्या बना, NaCl, ठीक है, ये NaCl बन गया। और फिर इसमें क्या बच गया था, OH, और इसमें इसने किसको रिप्लेस करा था, H को। तो H और OH जब मिल जाएगा, तो H और OH मिलकर बना देता है H2O, H2O मतलब वाटर, ठीक। तो ये आपकी सॉल्ट्स की डेफिनेशन है। अब देखिएगा, सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस। तो जब एसिड्स बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट्स बनते हैं, ठीक। तो ये हमने देखा भी है, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पर भी वही है कि ये एसिड है और ये बेस है। एसिड का कैसे पता चलता है, हाइड्रोजन से, और बेस का कैसे पता चलता है, हाइड्रोक्साइड आयन से, OH। तो ये जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो Na और Cl मिल गया, NaCl ये सॉल्ट बन गया, और H और OH क्या बन गया, भाई हाइड्रोजन के दो एटम है ना, H और OH में हाइड्रोजन के दो एटम है, तो H2 और ऑक्सीजन का एक एटम है, तो H2O, तो ये वाटर बन गया। तो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, ये होता है। अब आप ये देखिएगा कि जितने भी, अब ये बहुत आसान सा है, जो अगले चार पांच पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट देखिएगा, द सॉल्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर कॉल्ड क्लोराइड्स। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्या है, HCl, तो इसके जो भी सॉल्ट बनेंगे उसको क्या बोलेंगे, क्लोराइड्स, वो सारे के सारे क्लोराइड्स हो जाएंगे। तो NaCl है सोडियम क्लोराइड। अगर मान लीजिए यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता तो क्या बनता, कैल्शियम क्लोराइड। अगर यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता तो क्या बनता, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तो जितने भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जितने भी सॉल्ट्स बनेंगे उन सबको हम बोल देते हैं क्लोराइड्स। सेकंड पॉइंट, द सॉल्ट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर कॉल्ड सल्फेट्स। तो सल्फ्यूरिक एसिड के जितने भी सॉल्ट्स बनेंगे उनको सल्फेट्स बोल देते हैं। ऐसे ही नाइट्रिक एसिड के जितने भी सॉल्ट्स बनेंगे उनको नाइट्रेट्स बोल देते हैं। सिमिलरली कार्बोनिक एसिड के जितने भी सॉल्ट्स बनेंगे उनको कार्बोनेट्स बोल देते हैं, और एसिटिक एसिड के जितने भी सॉल्ट्स बनेंगे उनको एसिटेट्स बोल देते हैं, ठीक। उसके बाद आप आइए पेज नंबर 27 पर। 27 पर आप ये देखिएगा कि सब इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स एंड देयर फॉर्मूले। तो कुछ सॉल्ट्स हैं और कुछ उनके फॉर्मूले हैं, इनको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप ऐसे भी समझते चले जाएंगे। देखिए, सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड क्या होगा, CaCl2। ये हमको कैसे पता कि CaCl2 है, क्योंकि कैल्शियम का जो वैलेंसी है वो होती है +2, और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1-। तो क्लोरीन की वैलेंसी जो 1 है वो तो कैल्शियम के साथ लिख दिया जाता है, और जो कैल्शियम की वैलेंसी 2 है उसको क्लोरीन के साथ लिख दिया जाता है, तो CaCl2 ये बन जाता है, ठीक। उसके बाद ऐसे मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ऐसे जिंक क्लोराइड ZnCl2, सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो ये आप एक बार देख लो, बाकी सब में आपको समझ में आ ही जाएगा। जब हम सल्फेट की बात करते हैं, SO4 की जब मैं बात करता हूँ, तो SO4 की वैलेंसी होती है 2-। और अगर देखिएगा, सोडियम सल्फेट अगर बन रहा है तो सोडियम की वैलेंसी क्या है, Na1+। तो ये जो 1 है उसको तो लिख देते हैं SO4 के साथ, और ये जो 2 है इसको लिख देते हैं Na के साथ। तो Na2 1 को SO4 के साथ लिखेंगे तो SO4 का होल 1, ठीक है। तो ये जो 1 है ये लिखा नहीं जाता, तो इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं Na2SO4, ठीक। ऐसे ही जब पोटेशियम सल्फेट की बात करेंगे तो K2SO4 क्यों, क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी 2 है, वो पोटेशियम के साथ लिख दिया, पोटेशियम की वैलेंसी 1, वो SO4 के साथ लिख दिया। फिर कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट को बोलेंगे CaSO4, क्यों बोलेंगे, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2+, और सल्फेट SO4 की वैलेंसी होती है 2-। इस 2 को इसके साथ लिख दो, इस 2 को इसके साथ लिख दो, क्या बन जाएगा, CaSO4 2, 1+2, तो 2 से भी कट गया, तो ये क्या बन गया, सीधा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट।
फिर बात करते हैं ऐसी मैग्नीशियम सल्फेट की, तो मैग्नीशियम सल्फेट में भी कोई कहानी है, ये मैग्नीशियम की वजह से होगी 2+ पे बातें नहीं हुई, बात होगी आवाज़ नहीं हुई। Mg2+ और SO4 जो है इसकी वजह से 2-, तो इसका 2 इसके साथ और इसका 2 इसके साथ, तो Mg2 और SO4 2, तो 2 × 2 × 2, ये क्या हो गया MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। फिर है एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट तो हमें कोई भी सॉल्ट आएगा तो हम उसका फॉर्मूला बड़े आराम से लिख सकते हैं, कैसे, हमें बस उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। एल्यूमिनियम है, वैलेंसी क्या होती है, बोलो, 3+। सल्फेट है, सल्फेट की वैलेंसी क्या होती है, 2-, 2 को इधर लिखो और 3 को इधर लिखो, Al2SO4O3 एल्यूमिनियम सल्फेट। टू लेंगे, जब तक हमसे कहा नहीं जाता ना आयरन, आयरन हो गया और कॉपर हो गया, आयरन की वैलेंसी, अच्छा क्वेश्चन है, आयरन की वैलेंसी हमेशा हमारे पास दो होती है, एक तो 2+ और एक 3+, तो जब तक हमसे मेंशन ना किया जाए किसी चीज़ में कि आयरन सेकंड सल्फेट, जब तक ये ना कहा जाए तब तक हम उसको फेरस ही लेकर चलेंगे, हम उसको फेरिक लेकर नहीं चलेंगे। तो इसी तरीके से कॉपर है, तो कॉपर की भी वैलेंसी 2+ होती है और 3+ होती है, तो जब तक कहा ना जाए कि आपको 3+ वाली वैलेंसी लेनी है तब तक आप 2+ ही लेकर चलेंगे, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा बस इसका ना एक एक्सेप्शन है कि जब हम आयरन ऑक्साइड की बात करते हैं ना, तो आयरन ऑक्साइड में उसमें हम वैलेंसी 3 लेकर चलेंगे, बस एक एक्सेप्शन ये है कि जैसे आयरन ऑक्साइड है तो आयरन की वैलेंसी जनरली हम 2+ लेकर चलते हैं और ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2- होती ही है, तो अगर इस 2 को इधर और इस 2 को इधर लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, Fe2O2, 2 से 2 कट गया तो कुल मिलाकर ये क्या बन गया, Fe2O, तो ये नहीं लेंगे हम, ये नहीं लेंगे हम, लेते हैं Fe2O3, मतलब जब भी आयरन ऑक्साइड बनता है तो हम आयरन की वैलेंसी +3 वाला लेकर चलते हैं, क्लियर, ठीक। आगे चलते हैं जी, जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट जो है अगेन जिंक की वैलेंसी 2+, सल्फेट की वैलेंसी 2-, ये 2 इधर ये 2 इधर, तो Zn2 और SO4 2, 2 × 2 फिर है कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट में भी हम कॉपर की वैलेंसी 2+ ही लेकर चलेंगे, तो Cu2+ और SO4 2-, तो ये वाला 2 इसके साथ, ये वाला 2 इसके साथ, Cu2SO4 2 से 2 कट गया, क्या बन गया Cu SO4। उसके बाद है अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम की वैलेंसी क्या होती है, अमोनियम की वैलेंसी इसको रख दो, कब तक कुरकुरे चलते रहेंगे, ये तो बेचारा मास्क लगाकर बैठे, मास्क में कैसे खाएगा, क्या अमोनियम की वैलेंसी क्या है, इसको तो बता देना क्या ऐसे धीरे से, वही पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान है, ऐसे मतलब तुम बैठे हो लेटे हो कर क्या रहे हो, ये तुम ढंग से बैठो जरा, ये क्या है वीरान, क्या कभी इसके कान में कुछ, कभी इसके कान में कुछ क्या चल रहा है, अच्छा तो तुम ट्रांसमीटर हो ना, इधर से उधर ट्रांसमीटर, NH3 और NH4 में फर्क क्या होता है, जो NH3 है, NH3 एक गैस होती है, NH3 एक गैस होती है, अमोनिया गैस, ये रेफ्रिजरेटर में यूज़ करी जाती है, AC में यूज़ करी जाती है, कैसे कहते हैं ना जब AC की सर्विस होती है तो इसकी गैस लीक हो गई, हाँ NH3, इसका मतलब ये नहीं है कि NH3 फेंक रहा है, ठीक है, हाँ तो ये हवा ही, वो कूलिंग जो है वो कूलिंग होती ही उस गैस की वजह से है, NH3 की वजह से, ठीक है, उसकी वजह से NH3 का क्या काम होता है, NH3 जितनी भी हॉट एयर होती है और जितना भी मॉइस्चर कंटेंट भी होता है उसको सबको खींच लेता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है, एक्सट्रैक्ट करके उसको जो भी कोई क्यूबॉइडल या क्यूबिकल शेप का कोई रूम है, ठीक, उस रूम में से उसको खींच के बाहर निकाल देता है, तो अंदर हमको मतलब ये यहाँ पर जो AC का जो इफेक्ट है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाला ही है, कि वो यहाँ से क्या करेगा, वो यहाँ से हीट को खींचेगा और हीट को खींच के बाहर फेंकता है, ये काम करता है, बाकी जो हवा आ रही है वो तो फैन की वजह से आ रही है, छोटी सी मोटर लगी हुई है वो फैन फेंक रहा है, ठीक। तो NH3 का काम होता है जितना भी मॉइस्चर है और जितना भी हीट है उसको एक्सट्रैक्ट करना, बस इतना काम, वही क्यों चालू,
वही तो तंग क्यों कर रहे हो नहीं सर ये बहुत प्यारा सा दिन का काम वो ही कर दिया मैं देखता हूँ डोमेस्टिक वाले मुझे वाले अमोनियम सल्फेट अभी एक मिनट पेन में उठाओ तुम करके तुम हाथ मिला रहे हो यस मिशन अकम्प्लिश्ड चलिए अमोनियम सल्फेट NH4 अमोनियम जो होता है ना अच्छा सुनिए जो सवाल पूछा था वो तो रह गया ये NH3 गैस है अमोनिया गैस है तो इसमें क्या होता है ये तो अमोनिया गैस होगी ये तो कंपाउंड है इसका तो कुछ वो लेना देना नहीं लेकिन एक स्पेशल आयन होता है उसको हम बोलते हैं NH4 1+ का मतलब क्या है ये NH4 जो है इसकी वैलेंसी है 1+ ये कैटायन है तो हम ये कहेंगे कि NH4 की वैलेंसी क्या होगी अच्छा इसको बोलते हैं हम अमोनियम आयन इसको हम अमोनियम आयन बोलते हैं तो NH4 वन प्लस हो गया एक तो ये तो कैटायन हो गया उसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं अमोनियम सल्फेट की तो SO4 की वैलेंसी क्या है 2- तो S2 को इसके साथ लिख दो S1 को इसके साथ लिख दो तो NH4 2 SO4 1 ये क्या हो गया NH4 2 SO4 ठीक तो ये हो गया आपका फॉर्मूला अमोनियम सल्फेट का ऐसे ही सोडियम नाइट्रेट अब मैं नाइट्रेट्स की बात करूँगा तो नाइट्रेट जहाँ पर भी आएगा उसकी वैलेंसी 1- होगा तो अब ये सब अपने आप देख लोगे जितने भी आगे दे रखे देख लीजिए सोडियम का वैलेंसी 1+ और नाइट्रेट की वैलेंसी यानी कि NO3 की वैलेंसी 1- ये 1 इसके साथ आ गया ये 1 इसके साथ आ गया 1 लिखा नहीं जाता तो सीधे सीधे लिख दो NaNO3 NaNO3 अगला है पोटेशियम नाइट्रेट पोटेशियम जो है वो सोडियम का ही भाई होता है पोटेशियम की वैलेंसी भी 1+ होती है और नाइट्रेट की वैलेंसी तो 1- है तो इसका 1 इसके साथ इसका 1 इसके साथ 1 लिखा नहीं जाता तो सीधे सीधे KNO3 उसके बाद देख लीजिए सोडियम कार्बोनेट कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है बताएंगे 2- कार्बोनेट की वैलेंसी 2- अरे ये ऑनलाइन वाले बच्चे सो तो नहीं गए भाई नमस्कार अच्छा सुमित तो है प्रणव विधि आकाश अनुष्का यस सर ठीक है चलिए है सभी बच्चे चलिए अब ज़्यादा देखिएगा ये 2- है तो 2- ये 2 इधर आ जाएगा और 1 को उधर ले जाएंगे Na2CO3 वो देखा किसी ने टॉम एंड जेरी कार्टून देखा है कार्टून शो आता है सब देखता है उसमें डायलॉग तो होते नहीं उसमें बीच बीच में कभी टॉम की कभी जेरी की हंसने की आवाज़ आती रहती है वैसी आवाज़ें आती है पीछे से पता नहीं क्या तुम बातें करते रहते हो आप लोगों ने देखा नहीं होगा ना बहुत टाइम से देखा नहीं होगा मेरे यहाँ पर वही चलता रहता है उसमें वो जब पीछा कर रहा होता है एक कॉमन सीन तो होता ही है उसमें वो चूहा आगे दौड़ता है बिल्ली पीछे दौड़ती है और बीच में फिजिक्स नहीं होती उसमें उसमें बीच में वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं वो चिपक जाता है चिपक के उसका पोस्टर बन जाता है फिर वो पोस्टर फैल जाता है ऐसे फिर वो जैरी हंसता है पेट अंडा ही लगता है ऐसी कुछ अजीब सी आवाज़ें आती है पीछे से इसकी आती है वेदांत की आवाज़ आती है जेरी वाली इसकी टॉम वाली उसकी थोड़ी भारी सी आवाज़ आती है चलिए जी एक चीज़ जो है ना वो थोड़ी सी एक्सेप्शनल है हम हर एक में ये देख रहे हैं कि पहले कैटायन लिखते हैं बाद में एनायन लिखते हैं लेकिन एक चीज़ है एक कंपाउंड है जहाँ पर भी हम बात करते हैं एसीटेट्स की तो एक है सोडियम एसीटेट तो मैं एक कंपाउंड बताता हूँ सोडियम एसीटेट एसीटेट का जो आयन होता है ना वो बेटा ये होता है CH3CO1- ये आयन होता है और ये एक एक्सेप्शनल केस है इसमें क्या है कि एनायन वाला जो सब्सटेंस है वो पहले लिखा जाएगा और कैटायन वाले को बाद में लिखा जाएगा ठीक है जनरली आप ये देखिएगा कि ये Na2CO3 है तो इसमें कैटायन वाला पहले लिख दिया गया और एनायन वाला बाद में यहाँ पर भी कैटायन पहले एनायन बाद में कैटायन पहले ये कैटायन था कैटायन पहले और एनायन बाद में लेकिन एसीटेट्स के केस में उल्टा होता है कि एनायन पहले लिखा जाता है और कैटायन बाद में लिखा जाता है रीज़न कुछ नहीं है इसका एक्सेप्शन है केमिस्ट्री में एक्सेप्शन आपके बहुत आएंगे तो आप ये देखिए CH3CO1-
और मैंने क्या फॉर्मूला बोला, सोडियम एसीटेट, तो इसका मतलब कैटायन क्या होगा यहाँ पर, सोडियम, तो सोडियम की वैलेंसी क्या होगी, वन प्लस, ठीक है, तो इसकी वन इसके साथ, इसकी वन इसके साथ, तो वन लिखा नहीं जाता, तो सीधे सीधे बोल दो सी एच थ्री सी ओ टू एन थ्री है, ठीक। तो ये तो नहीं, नहीं, सभी में जितने भी एसीटेट्स हैं, आप कैल्शियम एसीटेट बना लें तो उसमें भी यही होगा, कैल्शियम एसीटेट में क्या होगा, सी एच थ्री सी ओ ओ वन माइनस, और कैल्शियम की वन सी टू प्लस, तो इसका टू इसके साथ आ जाएगा, सी एच थ्री सी ओ ओ होल ट्वाइस और सी ए, ये बन जाएगा। अब जरा देखिएगा राइट द फॉर्मूले, अब अगला क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर 27 पर बिल्कुल नीचे क्वेश्चन दे रखा है, राइट द फॉर्मूले ऑफ द सॉल्ट्स गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेसिस फ्रॉम विच दीज सॉल्ट्स मे बी ऑब्टेन्ड, आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेसिस फ्रॉम विच दीज सॉल्ट्स मे बी ऑब्टेन्ड। तो मैं लाइन से लिख रहा हूँ, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, अच्छा, और अब पोटेशियम सल्फेट जो जो नाम दे रखे हैं ना, मैं नाम ना लिखकर मैं सीधा सीधा इनका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, है सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। उन्होंने बोला कि राइट द फॉर्मूले ऑफ द सॉल्ट्स गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेसिस फ्रॉम विच दीज सॉल्ट्स मे बी ऑब्टेन्ड। तो पहले तो मैंने सारे सॉल्ट्स के नाम लिख दिए, इनके जितना भी इनका केमिकल कंपाउंड्स नेम है वो मैंने लिख दिया। फिर वो बोल रहे हैं ये किस एसिड और किस बेस की हेल्प से बन रहे हैं ये बताइए आप। तो देखिएगा कैसे करेंगे, जैसे ये K2SO4 है तो SO4 जहाँ पर भी आ जाए H2SO4 एसिड आ जाएगा, तो जितने में भी SO4 है सब में लिखते चले जाओ H2SO4 और H2SO4, जहाँ पर भी लास्ट में क्लोराइड दिख जाए तो एसिड HCl, जहाँ पर भी NO3 दिख जाए तो एसिड HNO3, जहाँ पर भी CO3 दिख जाए तो एसिड H2CO3, और यहाँ पर ये बताइए Cl है तो यहाँ पर HCl, तो एसिड तो हमारा ये हो गया, एंड बेस, बेस क्या हो जाएगा, बेस आप देखिए कि ये के है ना, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, KOH। बस एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपको सीक्वेंस बताया था जो शुरुआत के 20 एलिमेंट्स बताए थे उनकी वैलेंसी जरूर याद कर लेना, जो शुरुआत के 20 एलिमेंट्स बताए थे, नहीं है तो बता देना मैं दोबारा भेज दूंगा ग्रुप पर, ठीक। तो आप देखिएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, मतलब जो भी ये मेटल वाला पोर्शन लिखा हुआ है इन सब का आपको कंपाउंड बना देना है हाइड्रोक्साइड वाला, सबको OH के साथ कंबाइन करके लिख देना, ठीक है। ये क्या हो गया CaOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा MgOH होल ट्वाइस। आप समझ जाइए K की वैलेंसी भी वन होती है, OH की वैलेंसी भी वन होती है, तो इसका वन इसके साथ, इसका वन इसके साथ लिखा नहीं जाता इसलिए KOH। सोडियम की वैलेंसी भी वन, OH की वैलेंसी भी वन, तो इसका वन इसके साथ, इसका वन इसके साथ, वो NaOH हो गया सीधा। कैल्शियम की वैलेंसी 2, OH की वैलेंसी 1, तो 1 इसके साथ आ गया, जिसको लिखते नहीं है, इसकी वैलेंसी 2 है उसको उसके साथ लिखते हैं, तो CaOH होल ट्वाइस, ऐसे ही MgOH होल ट्वाइस, समझ रहे हैं आदित्य। उसके बाद देखो ये कॉपर है, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा, CuOH होल ट्वाइस, सोडियम NaOH,
फिर से सोडियम NaOH, फिर से सोडियम NaOH और लास्ट में अमोनियम तो NH4OH, NH4OH क्योंकि NH4 की वैलेंसी 1 प्लस और OH की वैलेंसी 1 माइनस, तो इसका 1 इसके साथ, इसका 1 इसके साथ, ठीक है, बदल के क्रॉस ओवर वैलेंसीज बोलते हैं। सोडियम एसीटेट, अगर मान लीजिए सोडियम एसीटेट दे रखा है, अच्छा सवाल है, CH3COONa, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे गया कि एसीटेट है, तो एसीटेट के मतलब इसमें एसिड कौन सा होगा, CH3COOH, एसिटिक एसिड, CH3COOH हो गया और Na Na का क्या बन गया, समझ गए? तो याद रखना, ये मत सोचना कि यहाँ पर तो OH आया और उधर भी OH आया तो दोनों के दोनों हाइड्रोक्साइड है ना, CH3COO ये एक एनायन है, इसके साथ में H प्लस आयन जुड़ा है, H प्लस आयन जहाँ भी जुड़ेगा वो एसिड बन जाएगा, CH3COOH इज एसिड और NaOH इज बेस, ठीक है? यस। चले भाई आगे बता दो भाई। हाँ सर, हाँ जी, अब आ जाइए पेज नंबर 28 पर। 28 में देखिएगा कि कुछ सॉल्ट सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जिनका पीएच होता है, हमने ये देखा कि भाई एसिड का और बेस का तो पीएच होता ही है, कुछ सॉल्ट सॉल्यूशंस भी हैं जिनका पीएच होता है। द एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ मेनी सॉल्ट्स आर न्यूट्रल हैविंग अ पीएच ऑफ 7, तो ज़्यादातर जो हमारे पास जितने भी जो एसिड्स होते हैं, वो सॉरी सॉल्ट्स होते हैं, उनकी जो पीएच वैल्यू होती है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है? न्यूट्रल का मतलब जीरो नहीं होता, न्यूट्रल का मतलब उनका पीएच 7 होता है, ठीक? अच्छा, बट सम सॉल्ट्स प्रोड्यूस एसिडिक, पिछला क्वेश्चन था, हां इसके नीचे लास्ट में छोटा सा क्वेश्चन है, वो क्या है? पिछले क्वेश्चन हाउ मेनी फैमिलीज कैन यू आइडेंटिफाई अमंग दी सॉल्ट्स, अच्छा कितनी फैमिलीज आप इसमें आइडेंटिफाई करेंगे, तो हम ये कहेंगे एक सल्फेट फैमिली, एक क्लोराइड फैमिली, नाइट्रेट फैमिली, कार्बोनेट फैमिली, एसीटेट फैमिली, एसीटेट तो जबरदस्ती इंक्लूड कर दिया था लास्ट में, क्वेश्चन में नहीं था, नहीं तो लिख देंगे एसिडेट फैमिली में, नहीं मतलब फैमिलीज मतलब ये बताना है हमको कि क्या क्या बन रहा है, यहाँ पर तो सारे हाइड्रोक्साइड बनी रहे हैं, तो सारे हाइड्रोक्साइड, ठीक है? हाइड्रोक्साइड के अलावा नहीं होते, लेकिन हाँ हम ये कहते हैं कि जो मेटल मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं, तो वो भी बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन एक्चुअल में बेस यही होते हैं, होती उनकी भी बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है? अच्छा जी, अब देखिएगा कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन, हमने कहा कि सोडियम क्लोराइड का अगर सॉल्यूशन की बात करें, नमक का पानी ऐसे, तो उसका पीएच जो है वो 7 होता है, उसको हम न्यूट्रल बोल देंगे। एक आता है अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन, अमोनियम क्लोराइड क्या हो गया, NH4Cl दे रखा है यहाँ पर, ये अमोनियम क्लोराइड, इसकी जो पीएच है, इसकी पीएच वैल्यू 7 से थोड़ी सी कम होती है, 6 होती है, या तो वो भी न्यूट्रल के बराबर, लेकिन थोड़ा सा कम है ना 7 से, तो हमने कह दिया कि एसिडिक है। दूसरा आता है सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, सोडियम कार्बोनेट भी था इधर, ये रहा सर याद करते बड़े कि बस ये दो हाँ दो तीन है बस, ये याद करना और कुछ नहीं, सॉल्ट्स में ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी, एसिड का तो पता ही है ना कि कौन कौन से हैं, और एसिड की पीएच वैल्यू याद नहीं करनी आपको कि HCl का इतना है, H2SO4 का इतना, ना वो कुछ नहीं। क्वेश्चन में क्वेश्चन आपको ऐसा दे रखा होगा जैसे कि वो पीएच वैल्यू दे रखी थी ना, ए बी सी डी ई, 5 अलग अलग तरीके के कंपाउंड हैं, उनकी पीएच वैल्यू ये है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक बताइए, स्ट्रॉन्गली बेसिक बताइए, वीकली एसिडिक, वीकली बेसिक, न्यूट्रल, वो तो उस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि भाई एक सॉल्ट जो जिसकी पीएच जो है, पीएच वैल्यू जो है वो 7 से कम होती है, वो है हमारा अमोनियम क्लोराइड, वो 6 हो गया, वो एसिडिक हो गया। सोडियम कार्बोनेट जो है, इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 7 से ज़्यादा होती है, जरा सी ज़्यादा 9 होती है बस, तो ये बेसिक हो गया। द एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर ऑफ सम सॉल्ट सॉल्यूशंस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स। देखिएगा तीन एग्जाम्पल आगे दे रखे हैं, पहला देखिए द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस गिव न्यूट्रल सॉल्यूशंस, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, खतरनाक एसिड खतरनाक बेस, दोनों का कॉम्बिनेशन करा दिया तो जो सॉल्ट बनेगा न्यूट्रल बनेगा, ठीक है? खतरनाक के का जो प्रोडक्ट बनेगा वो शांत बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। अब बेहद आसान है, अगला देखिए द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, एसिड स्ट्रॉन्ग है वीक बेस है,
तो थोड़ी सी तो एसिडिक प्रॉपर्टी रह जाएगी ना, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक बनेगा। तो ये आपका यहाँ पर द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेसिस गिव एसिडिक सॉल्यूशन, उसका पीएच की वैल्यू 7 से कम हो जाएगी। तो वो एक एग्जांपल इन्होंने दिया है NH4Cl और H2O का, और इसमें इन्होंने क्या दिखाया, ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाँ जी, बहुत मामूली सा एसिड, मामूली सा एसिड, ज़्यादा नहीं, जैसे अमोनियम क्लोराइड का अभी एग्जांपल बता रहा हूँ, तो इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 6 है, तो 7 से ज़रा सही तो कम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट किया जा सकता है उसको, ठीक है। क्या वीक एसिड अगर Na2CO3 तो सॉल्ट हो गया ना, क्योंकि उसमें ना तो H प्लस है ना ही OH माइनस है, तो वो तो सॉल्ट हो गया। अच्छा, जो मिर्च खाते हैं बड़ी जलन होती है, इसमें एसिड होता है, बेस होता है, क्या होता है? एसिड होता है। NH4Cl हमें इसका हाइड्रोलिसिस करना है, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज़ का हाइड्रोलिसिस करने का मतलब क्या है, उसमें पानी मिला दिया, पानी फेर दिया सारी मिला, इलेक्ट्रोलिसिस। चलिए, तो NH4Cl प्लस H2O, तो ये इसका हाइड्रोलिसिस हो गया। हाइड्रोलिसिस जो है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, हाइड्रोलिसिस। तो इससे क्या होगा, NH4Cl और H2O, तो हम ये देखेंगे कि NH4Cl, ऐसे ही सोच लो अपने मन में कि NH4Cl ये किस एसिड और किस बेस से बना होगा, HCl और NH4OH, बस ये लिख देना, कुछ सोच रहे हैं। बस ये बता देना, और हम ये जानते हैं कि इन दोनों में NH4OH, NH4OH के कुछ रिएक्शन वगैरह देखे थे क्या बेसिस में, नहीं देखे थे ना, है ना, तो ये बेचारा शरीफ सा बेस होता है, शरीफ सा बेस मतलब वीक बेस होता है, शरीफ तो एक्सेप्शन है, शराफत के साथ साथ स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। NH4OH और HCl, तो ये तो आपका वीक बेस हो गया और ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, तो इसका मतलब जो NH4Cl जो सॉल्ट बना वो क्या होगा, एसिडिक होगा। ऐसे ही अगला एग्जांपल है द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, तो जहाँ पर बेस आपका स्ट्रॉन्ग होगा और जो एसिड है एसिड वीक होगा, तो जो रिजल्टेंट सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा वो बेसिक बनेगा। तो एग्जांपल है Na2CO3 और H2O, हमने Na2CO3 सॉल्ट लिया, H2O में इसको कंबाइन करा दिया, मतलब हाइड्रोलिसिस करा दिया, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो, ऐसे ही बता दो मेरे को, ये जो Na2CO3 है इसमें बेस क्या होगा, NaOH, क्योंकि Na है तो बेस क्या होगा, NaOH, और CO3 है तो ऐसे क्या होगा, H2CO3। ठीक है, तो भैया यहाँ तक आपका जो है सॉल्ट में बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। अब जो कुछ कॉमन सॉल्ट्स हैं वो हमको करने हैं, तो सोडियम क्लोराइड हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, ठीक, तो ये सब हमको करना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये चार इन्होंने दे रखे हैं सिलेबस में, वही करना है। तो पहला है कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, तो हमें इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ करनी है, कुछ थियोरेटिकल पार्ट भी है इसमें, आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मुश्किल वाला पोर्शन हम कर चुके हैं, वो प्रॉपर्टीज़ वाला था, ठीक है। तो देखिएगा, कॉमन सॉल्ट इज़ अ वाइट पाउडर विच इज़ यूज इन प्रिपेयरिंग फूड, especially vegetables and pulses etc. Common salts chemical name is sodium chloride, it is a neutral salt. ठीक है, इसमें कुछ explain करने की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। तो common salt घरों में use होता है, white color का powder होता है, vegetables, pulses ये बनाने में काम आता है, neutral salt होता है, acidic नहीं होता। अच्छा, कैसे मिलेगा, NaOH और HCl का reaction करा दीजिए, NaOH क्या हो गया एक strong base, HCl क्या हो गया एक strong acid, दोनों का combination करवाया तो क्या बन गया, NaCl plus H2O, ठीक है। अब उसके बाद ये देखते हैं कि हाउ कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन, तो नेचुरली कॉमन सॉल्ट हमको कैसे मिलता है, दो तरीके से मिलता है। पहला है कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर,
वो क्या होता है, समंदर के किनारे या थोड़ी सी दूरी पर जहाँ पर टाइड्स का इफेक्ट ना हो, जहाँ पर स्ट्रीम्स का, लहरों का इफेक्ट ना हो, उससे दूर जो है बना दिया जाता है, सॉल्ट बेड बना दिया जाता है। सॉल्ट बेड बोलते हैं उसको। उसका मतलब क्या है कि पूरी की पूरी जो ज़मीन है, उस पूरी की पूरी ज़मीन पर स्टील की एक शीट बिछा दी जाती है, बहुत बड़ी शीट, और उसमें चारों तरफ जो है वो बॉर्डर बना दिया जाता है, इतना बॉर्डर बना दिया जाता है ताकि उसमें इतना या थोड़ा और ज़्यादा बॉर्डर बना दिया जाता है। समंदर का पानी लाते हैं, उसके अंदर भर देते हैं और उसको वहीं पर समंदर के किनारे क्यों कराया जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक तो रोशनी आती ही है सनलाइट, उसके अलावा जो समंदर के पानी में जो सनलाइट पड़ती है उससे जो रिफ्लेक्ट होकर आती है, तो वहाँ पर जो सनलाइट की इंटेंसिटी है वो डबल हो जाती है। इस वजह से वहीं पर सॉल्ट बेड बनाया जाता है। गुजरात में बहुत बड़े बड़े सॉल्ट बेड्स, अगर कोई गया हो तो देखे होंगे। महाराष्ट्र में कम है, गुजरात में ज़्यादा है, कोस्टल रीजन गुजरात का ज़्यादा बड़ा है। तो आप ये देखिएगा कि उसमें क्या होता है कि फिर पानी जितना भी है सारा का सारा इवेपोरेट हो गया। अब पीछे क्या बच गया, सॉल्ट प्लस सैंड, सॉल्ट और सैंड का मिक्सचर बच गया। अब सॉल्ट और सैंड के जो मिक्सचर है उसको कैसे सेपरेट करा जाता है, उसको फैक्ट्रीज में ले जाके सेपरेट करा जाता है। एक बहुत कॉमन सा प्रोसेस तो ये है कि सॉल्ट और सैंड का मिक्सचर है तो डिस्टिल्ड वाटर ले लिया जाता है, और डिस्टिल्ड वाटर में बड़ी बड़ी फर्नेसेस में डिस्टिल्ड वाटर में उसको मिक्स कर देते हैं, मिक्स करके उसको गर्म कर देते हैं, वो उसको क्या करते हैं, उसको फिल्टर आउट कर देते हैं। फिल्टर आउट करने का मतलब क्या है कि जितना भी सैंड है, सैंड तो सारा अलग हो जाएगा, फिल्टर आउट हो जाएगा, क्योंकि सैंड पानी में डिजॉल्व नहीं होता। डिजॉल्व क्या होता है, नमक डिजॉल्व होता है। फिर उसको बॉयल कर देते हैं, तो पानी सारा गायब, और पीछे क्या बचता है, सिर्फ वाइट पाउडर यानी कि सॉल्ट, टाटा सॉल्ट। सॉल्ट तो डिजॉल्व हो जाता है पानी में, ये मतलब घर पर जाकर देख लेते, थोड़ा सा लेकर मिला लेते, ठीक है। और ये काम दिन के टाइम पर करना, ऐसा नहीं कि मतलब रात में आज ये अभी एक्सपेरिमेंट करूँगा, पता चला किचन में से टक 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 वो चम्मच घुमाने की आवाज़ आ रही है, फिर मम्मी पापा में से कोई आ गया कि ये लड़का क्या पागल हो गया कि क्या हो गया इसको, है ना, रात में डांट वाँट पड़ने लगे, वो काम करते। चलिए जी, 30 देखिएगा। कॉमन सॉल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स, ये जानते हैं रॉक सॉल्ट, सुना है रॉक सॉल्ट, व्रत तो रखते होंगे कभी कभी, है ना, है ना, व्रत में सीधा नमक होता है ना, उपवास वाला नमक, वो वाला है। सुनिएगा, द लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ कॉमन सॉल्ट आर फाउंड इन अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स कॉल्ड रॉक सॉल्ट। अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स, जमीन के नीचे क्या होता है कि बड़े बड़े चमकदार से कुछ क्रिस्टल मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने ज़मीन की खुदाई करी और हमका हीरा मिल गया हमको, है ना, तो वो हीरा नहीं होता, वो बड़े बड़े से टुकड़े होते हैं, चमकदार से नमक के टुकड़े होते हैं, उसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं। वही होता है उपवास वाला नमक, जिसको सीधा नमक बोल देते हैं। रॉक सॉल्ट इज माइंड फ्रॉम द अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स जस्ट लाइक कोल, जैसे कोयले की खुदाई होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स जमीन के अंदर से मिलता है। और अगर जो मतलब जो आपके ये होते हैं ना जनरल स्टोर्स होते हैं, जनरल स्टोर्स को तो छोड़ दीजिए, जो पुराना मार्केट होता है हर बड़े शहर में एक पुराना मार्केट ज़रूर मिलेगा। उस पुराने मार्केट में जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर मसालों की, मिर्चों की, उनकी खुशबू आने लगती है, ठीक है, हाँ, बड़े बड़े बोरे रखे रहते हैं दुकानों के बाहर, ठीक है, और बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, उस पर बड़े बड़े तराजू लगे रहते हैं, लाला जी बैठे रहते हैं, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर दुकान के बाहर खास तौर पर आप देखेंगे वाइट कलर के बड़े बड़े पत्थर पड़े रहते हैं बोरे के अंदर। दो अलग अलग तरीके के पत्थर होते हैं, एक में तो होता है एलम, एलम जानते हैं, एलम फिटकरी होती है, फिटकरी, उसका काम क्या होता है, वो एक डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम करती है, जैसे डेटॉल वगैरह है ना। अगर मान लीजिए कभी आपके पास डेटॉल ना हो, कहीं पर कोई चोट लगे तो उस पर फिटकरी लगा देंगे तो वो इन्फेक्शन नहीं होने देगा वहाँ पर, एक तो वो चीज़। दूसरा, बड़े बड़ा जो टुकड़े होते हैं रॉक सॉल्ट होते हैं, तो उसमें क्या होता है, मतलब खाने में बड़े टेस्टी भी लगते हैं, मतलब हल्का हल्का सा नमक आता है उसमें, खाते हैं उसमें, तो छोटे छोटे से क्रिस्टल तोड़ लो उनमें डाल लो, मज़ा आता है, ठीक। तो वो जो होता है वो रॉक सॉल्ट होता है। अब क्या है कि अब प्रोसेस होकर पैकेट में आने लगे, लेकिन पहले क्या होता था, पहले लोग उसको घरों में ले आते थे, पुराने ज़माने में तो उसको कूटनी जो होती थी उससे कूट कर नमक बना लेते थे। अब क्या होता है कि उसका थोड़े और छोटे क्रिस्टल्स आ जाते हैं, मिक्सी में डाल के घुमा लेते हैं, नमक बन जाता है, बड़ा न्यूट्रिशियस सॉल्ट होता है। तो दो तरीके के सॉल्ट हो गए, एक तो आपको पता ही है सी वाटर वाला, तो कॉमनली आप जानते ही हैं, दूसरा ये रॉक सॉल्ट हो गए।
रॉक सॉल्ट को ही सिनामक बोलते हैं। आगे चलते हैं, यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट और सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के जो यूजेस हैं बड़े इंटरेस्टिंग यूजेस हैं, अभी पहला सुनो। कॉमन सॉल्ट इज यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल केमिकल्स इन इंडस्ट्री सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड सोडियम मेटल। तो इंडस्ट्री में इसको यूज़ करा जाता है ये सारी चीज़ें बनाने में, कॉमन सॉल्ट का ये यूज़ होता है। अगला देखिए, बताओ कैसे होगा? भाई NaCl है, NaCl को गर्म करते हैं, करते जाओ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या होता है, नमक भी पिघलता है, पिघलते क्या हो गया, मोल्टन फॉर्म में आ गया, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स डाल दो, इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, सोडियम अलग, क्लोरीन अलग। सर उससे भी बदल सकता है, सोडियम का अलग हो गया, अच्छा नहीं हुआ चाह गया ना यहाँ पर, तो एन हुआ चाह गया, मैं तो सोडियम अलग चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए जी, सेकंड पॉइंट, कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड इन कुकिंग फूड, ये तो पता ही है। इट इम्प्रूव्स द फ्लेवर ऑफ फूड, इट इज रिक्वायर्ड बाई, इट इज यूज इन मेकिंग दिस कुरकुरे ऑल्सो, कुरकुरे में भी इन्ग्रीडियंट होता है, ठीक है। अरे ये सब फालतू की बातें हैं, पता नहीं क्या क्या चलती रहती है, वीडियो आती है उसमें दिखाते हैं, कुरकुरे लिया, उसको गर्म कर दिया, गर्म करा तो वो काला काला हो गया, ये देखो ये प्लास्टिक से बना हुआ। एक वीडियो और पहले सर्कुलेट हुआ था कि आशीर्वाद का आटा है, आशीर्वाद का आटा जो है ये भी रबड़ से बना हुआ है ना, देखो इसको खींचते रहते हैं तो खींचता ही रहता है, खींचता रहता है, अरे भैया आटा तो खींचता ही है, ये कुछ भी बना लेते हैं। चलिए, कॉमन सॉल्ट इज यूज इन कुकिंग फूड, इट इम्प्रूव्स द फ्लेवर ऑफ फूड, इट इज रिक्वायर्ड बाई योर बॉडी फॉर द वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम, द मूवमेंट ऑफ मसल्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो फूड के डाइजेशन में भी कॉमन सॉल्ट का बड़ा यूज होता है, HCl प्रोड्यूस करता है स्टमक में जाकर, HCl प्रोड्यूस करेगा तो खाना आसानी से पचेगा, ठीक है। तो आज फिर आपका चीट डे है, आज चीट डे है, बड़े दिनों से वीडियो नहीं डाली, डाली कोई वो वाली वजन वगैरह उठा क्या क्या, ये हर किसी के साथ होता है, ये हमारे साथ भी हो चुका है। क्या होता है ये खासतौर पर यही वाली है जो 10th 11th 12th वाली होती है ना, तो इसमें ये लगता है कि बस कैसे भी करके मैं जिम चला जाऊँ और बस टाइगर श्रॉफ बन के ही निकलूँगा वहाँ से वापस, बस कैसे भी करके, और फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए मेरे को, मसल्स भी चाहिए, ये भी वो भी सब कुछ चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि जैसे जाते हैं ना, तो सबसे बड़ा जो डिमोटिवेटिंग और डिप्रेसिंग एरिया है वो क्या होता है, वो जिम नहीं होता, वो आपका घर होता है, ठीक है। घर पर क्या होता है, कभी कभी मम्मी, कभी कभी पापा खाना भी नहीं मारते, छेड़ने लगते हैं, अभी कुछ बन रहा है, अभी कुछ हो रहा है, अभी पता चला कि महीना भर हो गया, दो महीना हो गया एक्सरसाइज करते, बन तो कुछ रहा नहीं, कुछ नहीं बन रहा, मैं नहीं जा रहा कहीं पर भी, घर पर ही पड़ा रहूँगा। तो हर बंदा ज़्यादातर वो अपना फिर छोड़ छाड़ कर बैठ जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए जी, तो कॉमन सॉल्ट इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स एंड प्रिजर्विंग मीट एंड फिश, तो पिकल्स को भी प्रिजर्व करने के काम आता है, जो अचार होता है, अचार वो भी इसी से प्रिजर्व करा जाता है, और मीट और फिश इसको भी इसी से प्रिजर्व करा जाता है कॉमन सॉल्ट से। अगला है, कॉमन सॉल्ट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, सोप के मैन्युफैक्चर में भी कॉमन सॉल्ट का यूज़ होता है, ये कार्बन वाले चैप्टर में हम करेंगे। सोप से हम डिटर्जेंट्स वाला पोर्शन है, और सोप बनाने वाला भी एक्सपेरिमेंट है हमारे, सोप में बेस भी तो, सोप में हम गेल बेस यूज़ करते हैं, NaOH, साथ में NaCl भी यूज़ करते हैं, और उसके अलावा हम यूज़ करते हैं कोई भी ऑयल, रिफाइंड ऑयल को छोड़ते हैं। NaCl इस वजह से यूज़ करा जाता है क्योंकि जब सोप बनता है ना, तो सोप ऐसा बनता है, पल्पी बनता है, अब उस पल्पी सोप को थोड़ा सा मतलब सॉलिडिफाई करने के लिए उसमें NaCl डाला जाता है। आप ये देखिएगा, अगला है, कॉमन सॉल्ट इज यूज टू मेल्ट आइस विच कलेक्ट्स ऑन द रोड्स ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्रीज, ठंडे कंट्री होते हैं, ठंडे कंट्री में जैसे हमारी कंट्री में क्या होता है, सुबह सुबह एक ट्रक निकलता है, उस ट्रक के नीचे एक झाड़ू घूमती रहती है ऐसे गोल 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 गोल, है ना, और वो सारी धूल को एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर। ऐसी जो कोल्ड कंट्रीज होते हैं उसमें एक ट्रक निकलता है, वो चारों तरफ नमक फेंकता हुआ जाता है, उससे होता क्या है कि जितनी भी बर्फ़ है जो सड़क पर पड़ी हुई है वो पिघलती चली जाती है, ठीक है। तो सॉल्ट का काम प्रॉपर्टी है उसकी पिघलाने, ठीक है।
आगे देखिए, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। सर पूछ रहा मीट में प्रोटीन होता है, मीट उसी से बनता है। मीट जो है मीट बनता ही मसल से है, और मसल से बनता है, आपने मसल्स को सीधा खा लिया और पता चला आपकी मसल्स में लग गया। वैसे लॉन्ग रन में कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती, बहुत बेकार चीज़ होती है ये। मतलब आप प्रूवन फैक्ट है, प्रूवन फैक्ट है कि मतलब आफ्टर 40 जितने भी डॉक्टर्स आपको मिलेंगे, कभी भी कोई जाएगा तो पूछ लेता है नॉनवेज तो नहीं खाते, अंडा तो नहीं खाते, कोई चीज़ पूछ लेते हैं। अच्छा अगर आप कहते हैं हाँ जी खाते हैं, है ना, तो अगर आपने कह दिया कि हाँ जी खाते हैं तो तुरंत कह देंगे छोड़ दो इसको खाना। तो उसमें कुछ दो चार बीमारियाँ हैं जिनका मुझे नाम नहीं पता, डॉक्टर बता पाएंगे आपको। कुछ दो चार ऐसी डिजीज़ होती हैं जो सिर्फ मीट खाने वालों को ही होती हैं, तो कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। भाई खा लो, जिसको अच्छा लगता है उसको अच्छा लगता है, उसको नहीं लगता। Some of the important chemicals, chemical compounds which are obtained from common salt by various methods are. उसके बाद देखिए chemicals क्या हो गया? क्या है, मैंने कब पूछा शुरू कर दो मीट बंद कर दो, क्या है अभी चल रहे हैं? मीट बंद कर दो तो उसका मतलब ये थोड़ी है पूजा शुरू कर दो। पूजा का मन कर रहा है तो करो, मीट खाने का मन कर रहा है तो खा लो। पर कुल मिलाकर ये है कि जो आप लोगों को जो चीज़ नहीं पता वो मैं आपको बताता हूँ और फैक्ट बता रहा हूँ, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कि जैसे आप लोग दूध पीते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि घर पर कभी ना कभी मम्मी पापा या ग्रैंड पेरेंट्स अगर साथ में रहते हैं तो वो घर पर डिस्कशन जरूर करते होंगे कि बहुत ज़्यादा मिलावट हो रही है ना, और नकली दूध बना दिया जाता है, मतलब यूरिया डिटर्जेंट पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिलाकर उसका दूध बना देते हैं, वाइट पेंट। तो वो क्या करता है, वो फ़ायदे की जगह नुकसान कर देता है। और ये एक डार्क ट्रूथ आपको मीट का बताता हूँ, और इसकी एक केस स्टडी भी है जो आपने सुना होगा, केंटुकी फ्राइड चिकन है ना, KFC। तो KFC की जो एक बहुत डार्क ट्रूथ है वो क्या है कि वो क्या करते हैं कि जो उनके यहाँ पर जो उनका फार्म है, मुर्गियों का जो फार्म होता है, तो वहाँ पर जो ये मुर्गियाँ डेवलप होती हैं उनको वो इंजेक्शन लगाकर डेवलप करते हैं, और वो अलग तरीके की मुर्गियाँ होती हैं कि उनके पंख ही नहीं निकलते। और उसमें होता क्या है कि वो मुर्गी अभी पैदा हुई है और उसको इंजेक्शन लगा दिया, इंजेक्शन लगा कर क्या होता है कि उसके आसपास पानी के कंटेनर छोड़ देते हैं, अब वो पानी पीने लगती है, तो उसकी जो बॉडी है उसकी बॉडी पर वाटर रिटेन होने लगता है। तो वाटर रिटेन होने से ऐसा लगता है कि मतलब जैसे उसकी मसल्स फूट रही है, मसल्स नहीं फूट रही, वो वाटर रिटेन हो रहा है अंदर। अब वाटर रिटेन होने के साथ साथ वो जो मुर्गी है उसको धीरे 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 करके, जब वो वाटर रिटेन होता है उस इंजेक्शन की वजह से, जब वाटर रिटेन होता है तो जैसे होता है ना कि भाई एक मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहा है किसी भी एनिमल की लाइफ में या बॉडी में, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहा है, तो प्रोसेस चलना बंद हो जाता है ना, तो फिर उसको यूरिन भी नहीं होता, यूरिन भी नहीं होता, तो वाटर सारा का सारा कहाँ इकट्ठा है बॉडी के अंदर, वो बेचारी तड़प तड़प के मर जाती है, और फिर मर जाती है, और फिर उसको काट के और उसको भून के और बस लगे रहो खाने में। और उसी की वजह से जो अलग अलग तरीके की बीमारियाँ हैं वो डेवलप हो रही हैं। अभी आप लोग यंग हैं, अभी शायद बॉडी रेसिस्ट कर जाएगी, अभी खाएंगे शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे करके जब एज बढ़ेगी तब पता चलेगा कि यार बहुत कबाड़ा खाया हमने, कोई फ़ायदा नहीं था उस चीज़ का। तो कुल मिलाकर ये है कि जितनी नेचुरल चीज़ें खाई जाएँ वही ठीक है, मतलब इन चीज़ों के पीछे ना पड़ा जाए कि इसको खाने से बॉडी बन जाती है, इसको नहीं तो ना जाने कितने लोग नॉन वेज खाते हैं, उनकी बॉडी तो बनी नहीं, ठीक है ना। और नहीं वो फिर भी हेल्दी है, पर अगेन वही है कि थोड़ा सा मतलब अगर आप उसको देख लेंगे बढ़ते हुए देख लेंगे तो फिर खाने का कभी मन ही नहीं करेगा, वो चीज़ बहुत बुरी है। तो बहुत अच्छी पता नहीं मुझे तो अच्छा लगता है। चलिए जी आगे चलते हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट केमिकल्स और केमिकल कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट बाई वेरियस मैथड्स आर फर्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, दूसरा सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, तीसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा, ठीक है ये तीन है बस जो सोडियम क्लोराइड से बनता है। दोबारा बोलो, हाँ अच्छा इन सब के मेथड कौन सा इस्तेमाल हुआ है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो आपने दिखाई दिया था, आयन एड्रोसी होते हैं हाइड्रोलिसिस करा दिया, फिर जो सोडियम कार्बोनेट है वॉशिंग सोडा, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है बेकिंग सोडा,
इनका मेथड बिल्कुल अलग से बताएंगे, अलग से पढ़ना है ये दोनों कंपाउंड सबको पढ़ना है। तो NaCl से बनने वाले तीन कंपाउंड्स हो गए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये जो तीन अलग अलग ये जो तीन कंपाउंड्स हो गए, इन तीन कंपाउंड्स को हमको अलग से पढ़ना है और रिएक्शन थ्योरी लर्न करनी है। आगे चलते हैं पेज नंबर 31 पर आ जाइए। अब एक एक करके ये तीनों कंपाउंड्स पढ़ना है, और आप अगर अपने सिलेबस में देखेंगे तो सिलेबस में लास्ट के चार टॉपिक्स यही लिखे हुए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और लास्ट में प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो मैं पहला कंपाउंड जो हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कर रहा हूँ, ठीक है, चार कंपाउंड्स हैं बस वो करने हैं और इसमें कुछ नहीं बचा चैप्टर में। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली नोन एज कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या है कि ये यूज़ होता है साफ सफाई के लिए, इसका मतलब क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है, क्लींजिंग प्रॉपर्टी होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस बाई द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ कंसनट्रेटेड एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। वही चीज, ये सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, नमक हो गया। तो नमक को आपने बहुत ज़्यादा गर्म करा तो वो मॉल्टन फॉर्म में आ गया, और फिर आपने उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स डाल दिए तो वो पिघलता हुआ जो NaCl है उसको जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा एक रिएक्शन है, रिएक्शन देखिएगा, NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी को पास करने का मतलब क्या है कि आपने इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया। अब क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O, अब जब इसको कंबाइन करेंगे तो NaOH बन जाएगा और साथ में बनेगा Cl2 प्लस H2O। तो NaOH को NaCl से बनाने का सबसे आसान तरीका यही है, इस रिएक्शन को याद करना है आपको कि NaCl की सोडियम क्लोराइड की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं। तो जो कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट से बनने वाले तीन कंपाउंड्स, ये तीनों कंपाउंड्स डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आप सोडियम क्लोराइड से NaOH कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो ये रिएक्शन बता रहे हैं। उसके बाद देखिए, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड। ठीक, क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस एट द एनोड। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, इसको हम बोल देते हैं एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको हम बोल देते हैं कैथोड। तो क्लोरीन गैस तो यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, क्यों, क्योंकि क्लोरीन के नेगेटिव आयन होते हैं, एनायन बनाता है क्लोरीन, और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इकट्ठा हो जाता है जाकर कैथोड, ठीक है। तो ये काम होता है इसमें। उसके बाद एक काम करते हैं भाई, आज इतना ही कर लीजिए, अगली क्लास में कराता हूँ, ठीक है, इसके यूजेस वगैरह। अच्छा, मैथ्स में क्या स्टार्ट करना है अगला, एपी कर लेते हैं, बोर्ड्स में आ रहा है, ये छोटा सा चैप्टर हो जाएगा फिर उसके बाद। अरे वो भी बहुत छोटा आसान है, हो जाएगा, चिंता मत करो।